तो ये देख के तो दिल खराश हुआ, ये तो टोटली जो मार्केट था बिल्कुल आग की नज़र हो गया है। और जो मुकामी इंतज़ामिया है, तहसीलदार साहब हैं, डीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब मौके पे आए हैं, जैसी शहादत यहाँ इन्होंने दी वो भी कागजी कार्रवाई तैयार कर रहे होंगे इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, बैजाबादकारी जिसको है उसमें सूरत लाने के लिए। मैं मेंबर पार्लियामेंट साहिबान से गुजारिश मैंने की कि वो आला हुकाम से ये बात उठाएं। फिर इसका जो फौरी जो है डिज़ास्टर है, ये एक आफत है, आग जो है आग की वजह से डिज़ास्टर जो हो, डिज़ास्टर का एक फ़ंड होता है स्टेट के पास, हमारी गुजारिश होगी कि डिज़ास्टर फंड में से रिलीफ दें इनको टाइड ओवर करने के लिए, ये मुश्किलात से निपटने के लिए, एक वो पहलू है। दूसरा पहलू है इनको परमानेंट, इनको टेम्पररी रिहेबिलिटेशन करने के लिए अगर मुमकिन हो सके, ताकि अपना कारोबार किसी तरीके से चला सकें, ये सीज़न जो है 2021-2022 का वो ज़ाया ना हो। बदकस्मती से इनकी नीयत है वो समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जिस कुर्सी पे ये बैठे हैं आज, उस पर कल कोई बैठा था और आने वाले कल पे कोई और बैठा होगा। ये सियासत है, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं वो देश के हक में, ये नई बात है, फिर 2.5 साल से तो यही हो रहा है। ये जो जमहूरियत है, इक्तदार ताकत सर चश्मा अवाम है और सरदारी अवाम का हक है, रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, उस जमहूरियत जमहूरियत की मिट्टी पलीत कर रहे हैं ये, और जमहूरियत को दफना रहे हैं जम्मू कश्मीर में और सारी दुनिया में। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कोई जमहूरियत का कत्ल है उसको दफनाया जा रहा है इन्हीं की वजह।